that is in the bacteria Escherichia coli. Escherichia coli has cells that resemble with eukaryotic cells. That means our body is made up of young mammal cell is eukaryotic cells. इसलिए replication उन्होंने Escherichia coli का बनाया. जितना ही Escherichia coli replication होगी उदा ही यूकारोटिक सैल्स के रैप्लीकेशन होंगी. रैप्लीकेशन इन यूकारोटिक सैल्स Escherichia coli है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर. Escherichia coli को कितने बेस पेयर ने 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर. इतने बेस पेयर Escherichia coli को ने. एंड मैमल सेल्स को मैमेलियन मैमल सेल को कितने बेस पेयर ने 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर ने साढ़े को. ठीक है, कहना रेप्लीकेशन को इन्ने बेस पेयर ने ते एदे को जड़ी रेप्लीकेशन दैट विल कंप्लीट इन रेप्लीकेशन विल कंप्लीट इन 38 मिनट. जदों रेप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है रेप्लीकेशन स्टार्ट एट विच फेज. रेप्लीकेशन स्टार्ट एट विच फेज माइटोसिस मियोसिस याद करो. माइटोसिस मियोसिस दे केड़े फेज दे विच रेप्लीकेशन स्टार्ट होती है एस फेज. पढ़ाया सी ना एस फेज ज्यादा 10 सॉरी प्लस 1 दे विच एस फेज नु असि सिंथेसिस फेज कहंदे आ जिदे च डीएनए रेप्लीकेशन होती है. रेप्लीकेशन केड़े फेज च होती है एस फेज दे विच. ठीक है, एस फेज दे विच रेप्लीकेशन होण तो बाद फिर की हुंदा माइटोसिस और मियोसिस. पहला रेप्लीकेशन होंदी है कॉपी बढ़दी है डीएनए दी फिर सेल डिवाइड होंदा है. माइटोसिस ते मियोसिस की है सेल डिवीजन फिर सेल डिवाइड होंदा है. सो इट मीन दैट 2000 base pairs replicate per second. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 38 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਹਦਾ ਇਟ ਮੀਨ 2000 base pair replicate ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ base pair ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. The enzyme that helps in replication is DNA polymerase. Main enzyme जड़ा replication help करता है वो तो आटे थोड़े रहता है DNA polymerase. Replication का main enzyme ये है. इस तो बिना से और enzymes भी use करने ने जड़े replication help कर दिया पर main थोड़ा जड़ा है वो DNA polymerase. This question asked many time in 1 marks question. Replication involves 3 steps. Replication first of all I want to tell you that in DNA nucleotides are attached with hydrogen bond. Adenine is always attached to adenine to thymine and cytosine always attached to guanine. A rule in the attachment na rule according hai ya ke adenine hamesha thymine de naal double hydrogen bond naal attach hai te cytosine guanine de naal triple bond naal attach hai. Ta saadi jehdi replication na oh bond to hi start ho. DNA replication दे पुत्र जी 3 steps ने. First हैगा initiation, second हैगा elongation and third step हैगा तुहाडे कोले termination. तीन steps. First we will start from initiation. DNA replication in Escherichia coli starts at a specific site.
स्पेसिफिक साइट भी जगह होती है कोई जिथों रेप्लीकेशन हर एक जगह तो रेप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होती ठीक है स्पेसिफिक जगह तो रेप्लीकेशन स्टार्ट होती है ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਪਰ ਨਾਓ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1 अनकॉइलिंग ठीक है पहला तुहाडे कोले हो गया अनकॉइलिंग डीएनए दे जिहड़े दो स्ट्रैंड्स ने डीएनए दे ओह अनकॉइल होण एक दूसरे तो दूर होण उहनां दी कॉइल्ड पोजिशन च आ डीएनए तुहाडा एवें आ मीनस अनकॉइलिंग मीनस ए ओपन हो जाण ठीक है जिहड़ा बचाले वाला बॉन्ड आ ओह खतम हो जावे अनकॉइलिंग हो जावे Two strands of DNA cannot be separate in its entire length. Next step. जेडी uncoiling का DNA की सारा DNA दा कदी भी खुल नहीं सकता सारा जेडे टू स्टैंड्स ने दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड क्यों टू स्टैंड्स पूरे नहीं एवे जिवे फॉर एग्जाम्पल पेपर आ इना पार्ट आ आ मेरा पूरा डीएनए वैसे तुम्हें पता भी डीएनए कितना लंबा होता है ये नहीं हो सकता कि पूरा ही डीएनए अलग अलग हो जाए दोनों डीएनए वक् वक् नहीं हो सकते क्यों बिकॉज इट नीड्स वेरी हाई एनर्जी ये वास्ते बहुत ज़्यादा एनर्जी की लोड़ आ जिनी के होंगी सो थोड़ा डीएनए हमेशा थोड़े थोड़े फॉर्म के अनकॉइल होता है फॉर एग्जाम्पल आ दोने पार्ट कॉइल्ड ने तो आ पार्ट ने अनजिपिंग भी कह सकते अनकॉइलिंग भी कह सकते अनकॉइलिंग रेप्लीकेशन अकर विद इन स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ डीएनए डीएनए हेलिक्स में छोटिया छोटिया ओपनिंग रेप्लीकेशन होंगी ठीक है सो सेकंड स्टेप इज अनजिपिंग फर्स्ट आई हैव टेल यू दैट रेप्लीकेशन इज इन स्मॉल स्टेप्स एंड सेकंड स्टेप्स इज अनजिपिंग हाउ दे अनजिप और हाउ दे अनकॉइल This is done by enzyme helicase. Unzipping means uncoiling. This is done by enzyme helicase. Helicase enzyme separates the two strands of DNA. It breaks down the hydrogen bonding between their base pairs. ये एंजाइम का की काम है अनजिपिंग ये किमें करता है ये जड़े बेस पेयर ने इन जड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उन्हें तोड़ देता है सो इट क्रिएट्स ए वाई शेप स्ट्रक्चर ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है It creates a Y-shaped structure. This structure is known as replication fork. ठीक है? और replication fork कहते हैं। ये structure जड़ी Y-shaped structure ये create करता है। That is called replication fork. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੈਦਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਬੜ ਦਾ ਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ
फिर तुहाडे कोले जो भी स्टैंड हुंदा लैबोरेटरी दे विच उहदे ते तुसीं छोटे छोटे समाल समाल पेपर्स रखे हुंदे ने बहुत छोटे छोटे, तो वो जिहड़ी वाइब्रेशन हुंदी है ना, तां जिहड़ा तुहाडा फोक हुंदा ऐ वाइब्रेट कर रहा हुंदा, दिस नहीं रही हुंदा उहदे अंदर वाइब्रेशन हो रही हुंदी, उहनूं फिर उहदे कोले करके देखदे हो तुसीं जिहड़े थोड़े छोटे छोटे पीसिस उहदे ने कागज़ दे रखे हुए आ पेपर दे, तां उह उड़ जांदे ने वाइब्रेशन दे नाल, उह कुछ ऐवें दा एक्सपैरिमेंट हुण मेरे याद नहीं, ठीक है उवें दा ही है थोड़ा फोक, ठीक है उस टाइप का रेप्लीकेशन फोक बन जाता है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नाउ एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, ओ कहिंदे जिहड़े आ पुराने स्ट्रैंड्स ने आ वाले ये हुण टेम्पलेट दा काम करदे ने नवें। टेम्पलेट का पंजाबी मीनिंग देखिए तो टेम्पलेट का मतलब होंगे ढांचा, जिदे असी सांचा या ढांचा जिदे चीज़ पा के तैयार कर देते हैं, मतलब कि सांचा तैयार हो गया ये ओल्ट बेस पेयर लगी जाएंगे रेप्लीकेशन हो जाएगी, आज सांचा टेम्पलेट तैयार हो गया। सो नैक्सट स्टैप थर्ड आ गया थोड़े को पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन अकर इन विच डायरेक्शन,